दिल्ली में आज 14C के प्रथम स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। भारत जैसे बड़े देश में साइबर अपराध रोकथाम के लिए को प्रमुख कार्यक्रमों शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम मुख्य अतिथि थे। नई दिल्ली विज्ञान भवन से खबर जोगिंदर डोगरा। महोदय, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी IOC आपके ही चिंतन का प्रतिफल है, जिसकी स्थापना साइबर अपराधों की रोकथाम की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। उसी कड़ी में आज साइबर अपराधों के समाधान की दिशा में 4 महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स का शुभारंभ भी आपके कार्यक्रमों से होने जा रहा है। यह हम सब के परम सौभाग्य की बात है। वंदन अभिनंदन आपका महोदय। इस अवसर पर मंच पर गरिमामय उपस्थिति है माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री बलबीर संजय कुमार जी की, साथ ही केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन जी, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक श्री तपन कुमार डेका जी, गृह मंत्रालय में विशेष सचिव आंतरिक सुरक्षा सुश्री शिवराम सुंदरी नंदा जी, आप सभी विभूतियों का और सभागार में उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। माननीय गृह मंत्री महोदय, आपको ये बताते हुए हमें बहुत ही हर्ष की अनुभूति हो रही है कि आज इस सभागार में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के सचिव, राज्यों के मुख्य सचिव, केंद्र शासित क्षेत्रों के प्रशासक, पुलिस महानिदेशक और पुलिस आयुक्त, केंद्र सरकार की विभिन्न एजेंसियों के कार्यक्रम में शामिल हैं, उपस्थित हैं। और इतना ही नहीं, बॉम्बे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस, फिक्की, CII, PHD चैम्बर, NASSCOM और सोशल मीडिया तथा क्लाउड प्रोवाइडर्स, बैंकों और अन्य संगठनों संस्थाओं के प्रतिनिधि भी यहाँ उपस्थित हैं। महोदय, आपकी प्रेरणा से देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में जो 1930 साइबर क्राइम ब्यूरो के द्वारा आज सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े हैं और रोजाना लगभग 67,000 सुरक्षा के लिए साइबर क्षेत्र विमोचन के बाद माननीय गृह मंत्री महोदय लोगों को मंत्रालय में संयुक्त सचिव साइबर अभिजीत सिन्हा जी और IOC के CEO श्री राजेश कुमार जी को सौंपा गया। अब माननीय गृहमंत्री महोदय से निवेदन, IOC के वचन का विमोचन करने की कृपा करें और विमोचन के बाद मुख्य अतिथि महोदय से इस वचन पत्र को प्राप्त करेंगे। IOC की ओर से सुश्री रूपा एम, दीपक फिरमानी, प्रवीण यादव और ऋषि मेहता। माननीय गृहमंत्री महोदय से अपने निवेदन, बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय का, उनकी इस बार माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय का। विभिन्न क्षेत्रों साइबर अपराधों की जो बढ़ती जटिलता है और उन्हें रोकने में आने वाली जो चुनौतियां हैं, उनको देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत सहयोग से हम साइबर अपराधों से बचे रहकर इस देश को और स्वयं को भी सुरक्षित कर सकेंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय की प्रेरणा से ये अनूठी शुरुआत साइबर कमांड रूम के रूप में, बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय। महीने तक ये परसेंट दोगुना हो चुका है। हरियाणा पुलिस ने अपने प्रदेश में 1930 हेल्पलाइन कॉल सेंटर्स को बहुत ही प्रभावी ढंग से मैनेज किया है, जिसका ये परिणाम है क्योंकि से बनाते करते हुए शिकायतों का तुरंत निपटारा करने का लगातार प्रयास किया है। 1930 हेल्पलाइन कॉल सेंटर के ऐसे ही उत्कृष्ट प्रबंधन के लिए गुजरात को भी सम्मानित किया जा रहा है। गुजरात प्रदेश की ओर से ये सम्मान प्राप्त कर रहे हैं प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री विकास सहाय और SP साइबर श्री धर्मेंद्र शर्मा। गुजरात ऐसा राज्य है जिसका ये परसेंटेज देश भर में सबसे अधिक यानी 21.58% है, जिसमें इन्होंने नागरिकों के 218 करोड़ रुपए इसी वर्ष अगस्त तक बचाए हैं अपराधियों के हाथ में।
आंध्र प्रदेश पुलिस के रोमन प्रोडक्शन सेल ने एनसीआरटी और सीएसईएम से संबंधित शिकायतों के निपटान में बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और इनके प्रयासों के साइबर क्षेत्र में 35% की सराहनीय रूपांतरण दर एफआईआर में परिवर्तित हुई जो देश में सबसे अधिक है। बच्चों के विरुद्ध ऑनलाइन अपराधों की रोकथाम में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए केरल को सम्मानित किया जा रहा है। यौन शोषण सपोर्ट काउंटर के रूप में जाना जाता है। इसने अपने पी हंट ऑपरेशन के माध्यम से इस क्षेत्र में बहुत ही उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। जगह से जो आईपीओसी द्वारा प्रदान किए गए सस्पेक्ट डेटा का इस्तेमाल करके और टीपीएस के सहयोग से मैपिंग करते हुए झारखंड पुलिस ने जो ज्वाइंट ऑपरेशन कराए उससे बहुत कम समय में 1000 से अधिक साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया जा सका। इसी बार ये इंटर स्टेट लिंकेजेस स्थापित करने की अवधारणा विकसित की जिसे समन्वय प्लेटफॉर्म पर अपराध रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल के रूप में विकसित और अपनाया गया। इन सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं और माननीय मुख्य अतिथि महोदय मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान पंडित संजय कुमार जी, श्री गोविंद मोहन जी, श्री तपन कुमार डेका जी, सुश्री शिवगामी सुंदरी नंदा जी, अभिजीत सिन्हा जी, राजेश कुमार जी और देश भर से इस सभागार में और ऑनलाइन जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स जो नरेंद्र मोदी जी की पहल पर सेफ साइबर स्पेस बनाने के अभियान में जुड़े हैं वो सभी का इस मौके पर मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। देश की जरूरियातों को देखते हुए एक टोली ने विचार के बीच के रूप में इसको रोकने का काम किया था और मैं इतना निश्चित कह सकता हूं कि आज पिछ में परिवर्तित हुआ, इनिशिएटिव इंस्टीट्यूशन में परिवर्तित हुआ और आज धीरे धीरे हमारी सेफ साइबर का एक बहुत बड़ा स्तंभ बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट आईपीओसी का है, इसलिए मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। मित्रों, सभी जानते हैं साइबर सुरक्षा के बगैर देश का विकास इस समय में असंभव। टेक्नोलॉजी एक दृष्टि से मानव जीवन के लिए आशीर्वाद साबित होती। कई सारे नए इनिशिएटिव जो हर व्यक्ति को सक्षम बनाने के लिए, परंतु इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी से कई सारे खतरे भी आज सृजित होते हुए दिखाई पड़े। इसलिए मैं मानता हूं कि साइबर सुरक्षा अब केवल डिजिटल दुनिया तक ही सीमित नहीं है। साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अहम पहलू बन गया है जिसके बगैर हमारी राष्ट्र की सुरक्षा भी करना असंभव है। इसलिए आईपीओसी जैसे प्लेटफॉर्म्स इसमें बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। आज ये आईपीओसी को अपना ध्येय वाक्य और उनकी उद्घोष पत्र को भी यहां एक प्रकार से इंट्रोड्यूस भी रहे कि हर स्थापना दिन पर आप इसी तरह से सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर जागरूकता, समन्वय और साझे प्रयास के इस अभियान को चालू रखें, क्योंकि एक ऐसा काम है जो आपके जिम्मे किया गया है जिसमें समन्वय के बगैर कुछ हो नहीं सकता। कोई एक संस्था, कोई एक इंस्टीट्यूशन साइबर स्पेस को सुरक्षित करने में सफल हो ही नहीं सकती। वो तभी हो सकता है जब अनेक प्रकार के स्टेक होल्डर इसके साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर एक ही डिजाइन के तहत एक ही रास्ते पर आगे बढ़ने का काम करें। और आज ये प्रयास जो है वो बड़ा अभिनंदनीय प्रयास है। आज ही 4 प्रमुख साइबर प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया है।